ठीक है, एक बार आप सभी का फिर आइडियल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। ठीक है, तो कल हमने कहाँ तक, 4 तक करे थे एक्सरसाइज, 8.1 कर रहे थे हम कल तक। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दे रखा है। इसमें सेक थीटा बराबर दे रखा है हमको, थर्टीन अपॉन में 12। तो इसने बोला है कि फाइंड अदर रेशियो। तो अदर इसका मतलब क्या है, कल हमने आपको बताया था कि ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने होते हैं। तो ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 6 होते हैं। उस 6 में से यहाँ पर एक रेशियो दे रखा है, ठीक है, तो बाकी 5 रह गए, वो हमको 5 निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बताया था कल, तो सेक थीटा बराबर ये किसका उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर क्या बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसी का उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा एच अपॉन बी बन जाएगा। ठीक है, एच अपॉन बी, इसका मतलब ये हमको एच अपॉन वी दे रखा है। इसका मतलब हाइपोटेनस 13 है और बेस कितना है, 12 है। अब यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये 13 दे रखा है हमको और बेस दे रखा है ये, तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है। ये परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो कल बताया था आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होती है हमारी हाइपोटेनस, ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमको क्या दे रखा है। हाइपोटेनस दे रखा है हमको 13, 13 का स्क्वायर। बेस हमको दे रखा है परपेंडिकुलर, हमको निकालना है तो इस वाले को इधर लेके आ जाएंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 इजिकल टू बी स्क्वायर। इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो पी इजिकल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में पी इजिकल टू अंडर रूट में 25। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, एक पेयर बन गया। इस पेयर में से एक बाहर निकाल दो नंबर, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5। तो ये कितना आ गया हमारा, 5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर 5। अब क्या निकालना है हमको इसमें, अब हमारे पास तीनों चीज़ें निकल चुकी हैं, हाइपोटेनस भी आ गया है, बेस भी आ गया है और परपेंडिकुलर भी आ गया है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं जो अदर रेशियो। तो अदर रेशियो में पहला रेशियो कौन सा निकालेंगे, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। पहले हम लिख लेते हैं सारे, साइन थीटा ये क्या होता है हमारा, पी अपॉन एच। एच अपॉन पी कोट थीटा होता है हमारा बी अपॉन में पी। तो ये हमको निकालने हैं, तो इसमें तो कोई केवल थीटा बोला है राइट एंगल, तो राइट एंगल यहीं पर रखना है हमको, कोई चेंज नहीं करना आपको। ठीक है, पर डायरेक्ट वैल्यू देखो, बेस कितना है, 12 है, 12
हाइपोटेनस 13, 13 परपेंडिकुलर कितना है 5, तो 5/13, हाइपोटेनस 13 परपेंडिकुलर कितना है 5, परपेंडिकुलर 5 और बेस है 12, बेस कितना है ठीक है, तो ये हमारी साइन कोस थीटा की वैल्यू आ गई 12/13, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5/13, कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 13/5 और टेन थीटा की वैल्यू आ गई 5/12, कोट थीटा की वैल्यू आ गई 12/5 ठीक है। तो इसके हमने चारों जो भी चीज़ इसमें पूछी थी, एक रेशियो दे रखा था हमको, अदर रेशियो निकालने थे ठीक है, तो इसमें सारे निकाल दिए हमने। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ये इसको उतार लीजिए। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 का, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है इसने। देखो तो हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, 6 हम इसको आपको इस एक्सरसाइज के लास्ट में करवाएंगे 6 नंबर को ठीक है, क्योंकि उसके थोड़े फॉर्मूले बताने पड़ेंगे, तो हम उसको पहले हम जो फॉर्मूले हमने पता लग चुके हैं हम पहले उनके क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम इस एक्सरसाइज के एंड में लेंगे ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, 6 अभी हमने छोड़ दिया है, 7 करते हैं। इसमें कोट थीटा बराबर दे रखा है हमको 7/8 और हमसे क्या बोला है कि फाइंड करना है हमको, फाइंड क्या करना है हमको 1+sin θ और 1-sin θ (1+cos θ) (1-cos θ) ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले cos थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमको दे रखा है (base/) परपेंडिकुलर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर छोटा सा। अब इसमें बेस कितना है हमारा 7 और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8, तो ये 8 है और ये 7 है ठीक है। तो हम क्या निकालना है, हमको पहले हाइपोटेनस निकालना है कि हाइपोटेनस क्या है। तो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो h² = p² = b² तो हाइपोटेनस हमको निकालना है, परपेंडिकुलर 8 दे रखा है और बेस 7 दे रखा है, तो 8² = 64, 7² = 49, तो ये हो जाएगा हमारा 113। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाता है, तो ये हमारा आ गया √113 ठीक है। तो तीनों चीज़ हमारी इसमें निकल चुकी है, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया और हाइपोटेनस भी आ गया। अब जो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है
उसको हम करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसके एक एक पार्ट को निकाल लेते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं, वन प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है। तो वन प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा होता है हमारा, इसको एक काम करते हैं, पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा ये निकाल लेते हैं। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमको, 8 दे रखा है, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है हमको, 113। और इसमें बेस कितना दे रखा है, 7, और हाइपोटेनस दे रखा है 113। तो ये निकल गई। अब क्या करते हैं, हम एक एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक एक टर्म की। एक टर्म हमको ये दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। तो 1 प्लस साइन थीटा, इसको पूरा ही लिख लेते हैं एक बार में, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, ये है 8 अपॉन 113। और 1 माइनस साइन थीटा की, 8 अपॉन 113 अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, 7 अपॉन अंडर रूट में 113, 7 अपॉन अंडर रूट में 113। ठीक है, इसको ऊपर का इरेज कर लेते हैं, इधर करते हैं इसको। तो एक तो वैल्यू हमारी ये है 8 अपॉन अंडर रूट में 113 और 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट में 113, 1 प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट 113, 1 माइनस अंडर रूट में 113। ठीक है, ये हमने वैल्यू निकाल ली, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर ये बन रहा है a माइनस बी। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो a की जगह यहाँ पर 1 आ रहा है और b की जगह ये पूरा नंबर आ रहा है, तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सेम नीचे भी a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो a की जगह पर क्या है, 1 है, और b की जगह पर 8 अपॉन अंडर रूट में 113। तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 7 अपॉन इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 8 का स्क्वायर 64 और 113 के ऊपर से रूट हट जाएगा, 1 माइनस 49 113। अब आप इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मान लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा 64, इधर एलसीएम 113 माइनस 49। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस लाइन से जो ऊपर वाला है इसको पूरे को एज इट इज लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 10 में से 4, फोर्टी नाइन बच जाएगा और नीचे 113। इस लाइन से जो नीचे वाला है इसको क्या करना है, आपको पलट देना है, क्रॉस का साइन लगा के आप, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आप इसको पलट दो, सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 64, ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 49 अपॉन 64, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, इसको उतार लो आप आराम से।
ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हमको सेकंड पार्ट दे रखा है कि कोट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। ये तो फर्स्ट पार्ट था जो अभी हमने करा है, और इसी का सेकंड पार्ट क्या है कि कोट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो देखो कोट स्क्वायर क्या होता है, आप इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, पहले कोट थीटा की वैल्यू निकाल लो। कोट थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बेस कितना दे रखा है इसमें, 7, और परपेंडिकुलर है 8। तो इसका मतलब कोट थीटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 8 का आप उसका स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 49 अपॉन में 64। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या दे रखा है इसमें, थ्री कॉट ए इजिकल टू 4 दे रखा है। तो सबसे पहले आप यहां से कॉट ए की वैल्यू निकालो, तो 4/3 आ जाएगा, ये इसके अपॉन में डिवाइड में चला जाएगा। तो कॉट ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4/3। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो जिसमें क्या करना है आपको, ए पर राइट एंगल दिखा देना है और ये 90 डिग्री है। तो ये इसका क्या होता है, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारा, 4 है, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 3 है। ठीक है, तो बेस हमारा 4 और परपेंडिकुलर हमारा 3 है। तो हमारा क्या रह गया, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हमको निकालना है, तो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बेस है हमारा 4, इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो अब ये h हमारा कितना आ गया, 5 × 5 लिख लेंगे, पेयर बन गया। सेम नंबर का स्पेयर में से एक नंबर को क्या कर देना, आपको बाहर निकाल देना है। तो इसका मतलब हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया, 5। तो हाइपोटेनस कितना आ गया हमारा, 5। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, अब ये देखते हैं। हमारे पास तीनों चीज़ आ चुकी हैं, बेस भी आ चुका है, परपेंडिकुलर भी आ चुका है, और हाइपोटेनस भी आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं अब क्या इसने बोला है। तो ये कह रहा है चेक करना है हमको, चेक करना है, क्या चेक करना है हमको, कि 1 − tan²a अपॉन में 1 + tan²a ये किसके बराबर है,
ये कह रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं, ये हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, बड़ा सिंपल है। ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS साइड को लेते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास क्या 10 की वैल्यू है, तो यस 10 किसका हो, 10 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 10 हमारा उल्टा होता है कॉट का, तो इसका मतलब कि हमारे कॉट इसके हेल्प से निकाल लेंगे हम, या ऐसे करते हैं हम, टेन ए इजिकल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसका मतलब क्या कि परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 है और बेस कितना है हमारा 4, तो टेन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 अपॉन में 4 आ जाएगी। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, 1 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 16, 3 का स्क्वायर 9 16, 16 माइनस 9 अपॉन में 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन में 16, तो ये जाएगा 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। इस लाइन से जो ऊपर वाला इसको एज इट इज रखना है आपको, सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ क्रॉस का साइन लगाओ और इसको पलट दो, कट जाएगा तो 7/25 हमारा क्या आ गया, RHS की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमको, ये हमारा LHS आ गया 7/25, अब हमको RHS निकालना है। अब देखते हैं RHS की वैल्यू क्या आती है, तो इसको इरेज करते हैं, ये हो गया हमारा LHS, इसकी वैल्यू आ गई हमारी, LHS की वैल्यू आ गई हमारी 7/25। ठीक है, इसको रफ करते हैं, अब हम RHS लिखते हैं, RHS हमको cos a माइनस साइन स्क्वायर a ये दे रखा है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमको cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं और साइन a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो cos a बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस कितना है हमारा 4 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो 4 अपॉन में 5, और साइन क्या होता है हमारा, साइन को इधर निकाल लेते हैं, इसको साइन एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 और हाइपोटेनस कितना है हमारा 5, तो 3 अपॉन में 5 ये वैल्यू अभी हमारी साइन की और ये वैल्यू आ गई हमारी कोस की। ठीक है, ठीक है, दोनों ये दोनों वैल्यू आपको पता लग गई। अब इन वैल्यू को यहाँ पुट कर देना केवल, तो कोस स्क्वायर ए है तो कोस की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 5, तो इसका स्क्वायर कर दो, साइन की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 5, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर 16 और इसका 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 16 माइनस 9, तो ये कितना बच जाएगा हमारा 7/25। अब यही वैल्यू हमारी किसकी आई थी, LHS की आई थी, इसका मतलब हमारी LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, सेम आ रही है, तो इसका मतलब कि LHS बराबर RHS, तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, इक्वल है।
ये इस पूरे के इक्वल है, प्रूफ हो गया हमारा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 7/25 आ रही है, तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बस आपको इसमें इतना ही करना है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, और कह रहा है कि इसमें जो राइट एंगल है एट बी है, इसका मतलब ये ए है, ये बी है राइट एंगल 90 डिग्री, और ये सी है। और क्या दे रखा है, इसने बोला है कि टेन ए की वैल्यू दे रखी है इसने, वो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हो, टेन ए की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 का क्या मतलब है कि सबसे पहले आप क्या लिखो कि टेन ए बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा 1 है और बेस कितना है हमारा 3 है, तो क्या रह गया हमारा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 है और बेस हमारा √3 है, और ये एच हमको निकालना है। तो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, एच का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो ये ए सी दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, बेस को बी सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर। अब बी सी कितना दे रखा है हमको, √3 का स्क्वायर प्लस ए बी दे रखा है 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस 1, और ए सी तो ए सी पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट लग जाएगा, इसका मतलब ए सी कितना आ गया हमारा, इसको लिख सकते हैं 2×2, सेम नंबर का पेयर बन गया, इसमें से एक बाहर निकाल दो, तो ए सी हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, इसका मतलब हाइपोटेनस कितना है हमारा, 2 है। ठीक है, सारी चीज़ आ गई हमारे, अब देखते हैं क्वेश्चन में अब क्या बोला इसने आगे। आगे क्वेश्चन में पहला पार्ट कह रहा है कि साइन ए, फर्स्ट पार्ट बोला इसने साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, ये वैल्यू क्या है हमको इवेल्युएट करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पहले साइन ए को समझते हैं, फिर कॉस सी को समझते हैं, फिर इनको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम जिनमें राइट एंगल एट सी है, तो अगर इस लाइन पर होता है तो आपको कोई चेंज नहीं करना, मतलब अगर बी पर हो, बी पर तो है ही है, लेकिन अगर सी पर भी हो जाएगा राइट एंगल, तो क्या होगा यहाँ पर, इसमें कोई चेंज नहीं करना। चेंज करने का मतलब क्या है कि आपको बेस को बेस को आपको परपेंडिकुलर नहीं बनाना, और परपेंडिकुलर को आपको बेस नहीं बनाना। किस केस में, जब इस लाइन पे हमारा, इस लाइन पे, इस बीसी लाइन पे अगर बोलता है कि राइट एंगल बी की जगह अगर सी पर बोल देता है,
तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, सेम वैल्यू पुट करनी है आपको। तो देखो cos c बेस अपॉन क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, और बेस कितना है हमारा ये रूट थ्री रहेगा, तो रूट थ्री और हाइपोटेनस टू। साइन सी भी निकाल दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा वन है, हाइपोटेनस कितना है टू है, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई कॉस सी की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू, साइन सी की वैल्यू वन अपॉन टू। अब देखो अब हम बात करते हैं कि ए वाले की, साइन ए और कॉस ए की बात करते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और इसका बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर ए का मतलब क्या है कि ये राइट एंगल, अब ये बी पे नहीं है, अब ये राइट एंगल कहाँ, इसके ऊपर वाले पॉइंट पर पहुँच गया, ठीक है, बी से ऊपर वाले पॉइंट पर पहुंच गया। इसका मतलब कि अब आपको बेस और परपेंडिकुलर को आपस में इंटरचेंज कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस है, अगर राइट एंगल एट ए बोल रहा है, तो इसका मतलब ये जो बेस है ना रूट थ्री, ये काम करेगा परपेंडिकुलर का, और ये जो परपेंडिकुलर है वन, ये काम करेगा बेस का। तो यहाँ पर साइन ए परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा रूट थ्री, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है, और बेस क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और हाइपोटेनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने इनकी वैल्यू निकाली है, अब इसको इवेल्यूएट करते हैं वैल्यू पुट करके, ठीक है। अब हमको क्या इवेल्यूएट करना है, पहले क्वेश्चन में हमको दिया है कि साइन ए कॉस सी, कॉस ए और साइन सी, इनकी वैल्यू बताओ क्या है। तो साइन ए की वैल्यू क्या निकली हमारी रूट थ्री अपॉन में टू, ये वैल्यू यहाँ पुट करो उसकी जगह, तो रूट थ्री अपॉन में टू। कॉस सी की वैल्यू क्या निकली है, तो कॉस सी की वैल्यू निकली है रूट थ्री अपॉन में टू, प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या निकली है, तो कॉस ए की वैल्यू निकली है वन अपॉन में टू। साइन सी की वैल्यू क्या निकली है, साइन सी की वैल्यू निकली है हमारी वन अपॉन में टू, ये भी पुट कर दो। अब देखो दो नंबर अगर रूट सेम नंबर रूट रूट वाले हों, जैसे रूट थ्री यहाँ पर भी रूट थ्री, तो जब ये नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल जो अंदर नंबर होता है वही आ जाता है, रूट हट जाता है, टू टू जा फोर, वन वन जा वन और टू टू जा फोर। इनका एलसीएम ले लो, थ्री प्लस वन ये हो जाएगा हमारा वन। इसका मतलब इसकी पहले पार्ट की वैल्यू क्या आ गई हमारी वन आ गई, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें इसको पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमको क्या निकालना है उसको भी देखते हैं। साइन ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी और साइन ए साइन सी, साइन ए और साइन सी। अब देखो कॉस ए की वैल्यू क्या हमारे पास है, यस कॉस ए की वैल्यू क्या है वन अपॉन टू, तो इसमें यहाँ पर रख दो वन अपॉन टू। और कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की वैल्यू रूट थ्री अपॉन में टू, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू दे रखी रूट थ्री अपॉन में टू, तो रूट थ्री अपॉन में टू। साइन सी की वैल्यू क्या दे रखी है वन अपॉन में टू, मल्टीप्लाई कर दो रूट थ्री अपॉन टू टू जा फोर, रूट थ्री मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो टू टू जा फोर। एलसीएम दोनों सेम है तो एलसीएम फोर ही आएगा इसका, रूट थ्री प्लस रूट थ्री, तो कितना हो जाएगा टू रूट थ्री, एक रूट ये रहा एक रूट ये रहा, तो इसका मतलब टू रूट थ्री उनमें फोर,
तो रूट थ्री अपॉन में टू, ये आ गया हमारा सेकंड वाले पार्ट की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़ते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है हमको, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल बना दो आप। अब इसमें क्या है, राइट एंगल दे रखा है एट क्यू, तो PQR राइट एंगल आ गया क्यू पर। अब इसने क्या बोला है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या बोला है कि इवेलुएट करो साइन पी कॉस पी टेन पी। तो देखो PQ इसका मतलब ये तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको और इसको जोड़ के दे रखा है, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट PR BX। PR क्या है, x सेंटीमीटर है, इसका मतलब PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने x मान लिया, तो ये QR निकाल लेते हैं यहाँ से, तो QR कितना आ जाएगा, 25 माइनस x, ये इधर जाएगा, इसमें सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इतना आ गया हमारा। अब इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने x मान लिया है और QR क्या आ गया, 25 माइनस x, तीनों चीज़ पता है लेकिन हमको x नहीं पता क्या है, तो क्या करेंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, हाइपोटेनस प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमने x मान लिया है, तो x का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा, 25 माइनस x का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 5। ठीक है, इसको इधर करते हैं, x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a, ये यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 25 होने 50x। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो इधर तो जीरो रह गया, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50x प्लस 25, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 650, ये हो जाएगा हमारा 650, और इस वाले नंबर को इधर ले आओ, तो ये प्लस का हो जाएगा इधर आके, और ये हो जाएगा 650। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 50 से डिवाइड कर दो, तो x आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, x कितना आ गया हमारा, 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब ये हमको 13 आ गया, तो ये 25 में से 13 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, 25 में से हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 12 बचेगा। अब आपको क्या निकालना है, ये देखो जल्दी से, साइन पी कॉस पी टेन पी,
साइन पी, कॉस पी और टेन पी। पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है। अब देखो राइट एंगल किस पे बोला है, पी पर, मतलब इस वाले पे, ऊपर वाले पे, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे बेस और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 12 और हाइपोटेनस हमारा 13। अब इसमें भी सेम पी बोल रहा है तो बेस हो जाएगा हमारा 5, ये 13। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा और बेस हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए कुछ। अब इस एक्सरसाइज के केवल दो क्वेश्चन रह रहे हैं, वो हम अगले लेक्चर में करते हैं।